मतलब इसका मेन का पार्ट रख सकते हो। देखो इसका नाम है ट्रांसफॉर्म, एंड्रू रोजर्स 1998 हाईफा इजराइल। इसका मीनिंग क्या है देखो नीचे से दिखाते हैं। देखो जिस तरह से पहले तो इसका व्यू देख लेते हैं, जैसे पेड़ होते हैं ना, पेड़ की जो लटाएं होती हैं, जो छाल होती हैं, वो ट्रांसफॉर्म होके एक टेक्नोलॉजी के अंदर चेंज होती है। देखो ऊपर जाके ये चीज शो कर रहा है। देखो और थोड़ा नजदीक से दिखा देता है, बहुत अच्छा व्यू है। इन्होंने ट्रांसफॉर्म नहीं नहीं ये बेचारा एक अंडररेटेड मॉन्यूमेंट है, मेरे को तो बहुत अच्छा लगा भाई। बाकी कर रखा था अपनी शॉप को फाइन फूड से। ये जो डिपार्टमेंट सामने दिख रहा है ये है आपका डिपार्टमेंट है, ये है मेरा डिपार्टमेंट जिसको बोलते हैं शुलिश फैकल्टी ऑफ केमिस्ट्री डिपार्टमेंट। यार बहुत सुंदर है ये हमारा, अंदर तो अभी नहीं जाएंगे, लेकिन हाँ एक जगह है जो दिखानी बहुत ज्यादा जरूरी है, वो टेबल जहाँ पे मॉलिक्यूल्स बना रखे हैं। भाई साहब क्या क्रिएटिविटी लगाई है उन्होंने। सेकंड कौन से सेकंड फ्लोर पे है ना ये, हम फोर्थ फ्लोर पे है ना, ये फोर्थ फ्लोर है। देखो वैसे ये ग्राउंड फ्लोर है, लेकिन हम क्योंकि सिंस ये पहाड़ के ऊपर है ना, तो इससे भी डाउन के अंदर बिल्डिंग्स है, तो ये एक्चुअली में फोर्थ फ्लोर है। गेट ओपन, अरे नोबेल प्राइज की हिस्ट्री के अंदर नोबेल प्राइज की हिस्ट्री के अंदर टेक्नियन का नाम है भाई। नोबेल प्राइज यहाँ पे तीन बार मिल चुका है, चार साइंटिस्ट को मिला है, लेकिन तीन बार मिला है, 2004, 2011, 2013। तो इसकी हिस्ट्री बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। अभी जो सबसे मेन चीज दिखानी है वो है ये पार्ट। ऊपर से आई डोंट नो रास्ता कहाँ से है, लेकिन ये वाली शेप देखना भाई। आई होप कि मैं दिखाता हूँ ऊपर से कैसी दिखती है ये। ये एक मॉलिक्यूल है, देखना इधर सबसे पहले तो CH3, ये इधर से एक बॉन्ड गया, इधर से बॉन्ड, और यहाँ पे भी CH3। ये जो टेबल है ये एक्चुअली में रिप्रेजेंट करता है डबल बॉन्ड को, और इधर से फिर से डबल बॉन्ड, फिर से एक उधर है CH3, और यहाँ से ऐसे घूम के यहाँ पे आता है एक OH। तो भाई जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं प्लीज़ गेस करके एक बार इसका मॉलिक्यूल बताना कि भाई ये कौन सा है। एक यहाँ पे भी है, इसके अंदर बेंजीन रिंग भी है। ये एक देखो यहाँ पे भी CH3 है, OH है, और देखो इसमें जो ये वाला पार्ट दिख रहा है ये एक्चुअली में बेंजीन रिंग को रिप्रेजेंट करता है, और यहाँ पे भी जो ये वाला पार्ट है ये इन्होंने टेबल इस तरह से बनाई है कि ये भी बेंजीन है, लेकिन बहुत बढ़िया बनाई है यार इन्होंने। वहाँ पे भी एक मॉलिक्यूल है ये, और वैसे तो व्यू देख ही लो भाई कितना बढ़िया व्यू है। यहाँ पे सिंपल H, उधर है ये डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड के साथ है O, और ये फिर से एक डबल बॉन्ड, और ये आ गई एक बेंजीन रिंग। ठीक है,
ये है फिजिक्स कॉम्प्लेक्स, ये इधर वाला जो दिख रहा है केमिस्ट्री, ये वाला केमिस्ट्री है, मतलब ये केमिस्ट्री का दूसरा गेट है ये, और इसके बिल्कुल सामने है ये फिजिक्स कॉम्प्लेक्स। अभी इन सीढ़ियों से हम जाएंगे ओपन एयर थिएटर, जहाँ पे टेक्नियों की सारी सेरेमनी होती है, ये वाली जो सीढ़ियाँ हैं। सारी हम अभी स्टेज पे एंट्री करने वाले हैं। सो वेलकम, ओपन एयर थिएटर, ये है स्टेज। ये जो सामने मॉन्यूमेंट है, इसको उलुमंस मॉन्यूमेंट बोलते हैं। बताते हैं कि इसके अंदर ना, ये जो इसके अंदर स्टील के जो पार्ट्स लगे हैं, इनके मूवमेंट से जब इनके अंदर से हवा पास होती थी ना, तो एक बहुत ही स्ट्रेंज साउंड निकलती थी। और हाँ देखो बिल्ली, मतलब यहाँ पे ना इतना मेन अट्रैक्शन है, यहाँ पे बिल्ली को वो क्या हुआ है, देखो वहाँ ये रही एक बिल्ली, और देखो ये है अ मैन अ केट नेम येट्स, एक स्टोरी है और उसी के नाम पे एक स्कल्पचर बनाया गया है। तो दिस इज डिटेल्स देखना भाई इसकी, कितनी बढ़िया डिटेल्स जो आर्टिस्ट ने बना रखी हैं। एंड दिस इज ये नकली वाली कैट है, और हमारे पास उधर जो बैठी है वो असली वाली कैट है। देख रही हूँ। हाँ हाँ भाई, एक ये चीज़ दिखानी थी, पहले इस पेड़ के बारे में जो लिखा हुआ है वो दिखा देते हैं। ये है टेक्नियन स्टूडेंट नीटिंग ग्रुप, अपने उसमें इंडिया के अंदर जो दादी माँ नानी माँ जो करती है ना, मम्मी भी करती हैं। अच्छा। हाँ हाँ, तो देखो यहाँ पे इस पर्टिकुलर स्किल की कितनी अप्रिशिएशन करी जाती है कि पेड़ के उसमें निट कर रखा है, और ये स्टूडेंट ने किया हुआ है। हाँ, सारे स्टूडेंट्स नहीं करे। टडा, इसकी आँखें क्या है, इसकी तीन आँखें देखो। हेलो।
इंग्लिश में यहाँ पे आइए ना। तो स्पेशल ऑफर फॉर टेक्नियन स्टूडेंट्स, फैमिली साइज पिज़्ज़ा जो कि दो लोगों के लिए बहुत होता है, ये होता है 42 न्यू इज़राइलियन शेकल। और अगर आपको इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करना हो तो 42 को मल्टीप्लाई बाई 22 कर लेना, तो ये अराउंड कितना बैठा, अराउंड 800-850 के लगभग बैठेगा, इससे भी ज़्यादा बैठेगा। तो इतने का यहाँ पे नॉर्मल पिज़्ज़ा है, और ये भी स्टूडेंट डिस्काउंट पे है। यहाँ पे अगर आपको पास्ता, सैलेड, मतलब कुछ भी लेना है ना, सब यहाँ पे बहुत महंगा है। Apple का पहला कंप्यूटर। इसमें एक अच्छी चीज़ बताता हूँ, इस बस स्टैंड के ऊपर एक छोटी सी लाइब्रेरी है बिल्कुल यहीं पे साइड में, जो लोग अपनी बुक्स पढ़ लेते हैं उनके पास अगर एक्स्ट्रा रखी होती है तो वो यहाँ पे छोड़ के चले जाते हैं, लोगों किसी को लेके जानी हो तो लेके भी चले जाते हैं। देखो यहाँ पे अभी भी बहुत सारी बुक्स रखी हुई हैं, रोज ऑफ द प्रॉफिट, ड्रैगन्स, ड्रैगन। ये है
टेक्नियन का मेन गेट, यहाँ से व्यू बहुत अच्छा आता है। इधर जो ऊपर घर बने हुए हैं, इधर जो पेड़ है, छोटा सा बूट ऊपर। लुक व्हाट वी फाउंड, दिस इज अ स्नीकर। किसी ने टांग दिया, कितना बढ़िया लग रहा है ना इस पे। नेशर गेट बंद है, ये एग्जिट कर सकते हो, एंट्री नहीं। तो ये देख लो भाई, टेक्नियन इजराइल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये हमारे उसका साइन है। और क्लोज अप दिखा देते हैं, अभी चलते हैं। ये माउंट कार्मेल है, और जब टेक्नियन बना था 1912 में, ठीक है, उस टाइम पे यहाँ पे पूरा पहाड़ था। पहाड़ को काट काट के यहाँ पे सरफेस करा गया, और करने के बाद तो कहीं जाके इन्होंने एटलीस्ट नेचर को थोड़ा तो प्रिजर्व रखा है यार। यहाँ पे आपको बहुत कितने सारे फूल मिल जाएंगे यार, बहुत ज़्यादा फूल मिल जाएंगे यहाँ पे। अरे सारे नेचुरल है, कोई अलग से बोए नहीं इन्होंने। इसका इनॉग्रेशन करने के लिए भी अल्बर्ट आइंस्टीन आए थे। इसकी हिस्ट्री भी बहुत बहुत सही है। तो जो भी व्यूअर्स देख रहे हो, अगर आपको हिस्ट्री पढ़नी हो तो टेक्नियन की हिस्ट्री बहुत अच्छी है, प्लीज़ आप विकिपीडिया पे जाके पढ़ सकते हो। ये घर नहीं है एक्चुअली, मैं जूश लोगों का ये एक टेंट बोला जाता है। अच्छा, ये प्रेयर करने का है क्या? प्रेयर करने का नहीं है ये। शबात वाले दिन क्या होता है, मतलब कुछ पर्टिकुलर टाइम होता है उनके अंदर, वो अपने घर से बाहर एक टेंट में। अच्छा, जहाँ पे खाना खाते हैं वो? खाना खाते नहीं, मतलब वो इकट्ठा होते हैं। एक ऐसी प्रथा है कि
जब वो स्लेव्स थे तो उस टाइम पे वो टेंट में रहा करते थे, तो उस टाइम की जो लाइफ की जो फीलिंग्स है, जो एक्सप्रेशंस है, उनको दोबारा रिटेन रखने के लिए कि भाई हम उस लाइफ से गुजरे और अभी बेसिक से हमें बहुत सारी फैसिलिटी मिल गई हो, लेकिन हमें वो वाली चीज़ नहीं भूलनी चाहिए। तो ये वाली जो चीज़ है, ये जो स्पेशल टेंट है, ये इसीलिए करा। एक और बिल्ली मिल गई, ये शायद हमसे डरेगी नहीं। आ जाओ। अरे भाग गई। म्याऊ। अरे आप इसको डरा रहे हो? मैं खुद नहीं डरा रही, वो मास्क देख के डर रही है। से हेलो नहीं कहूंगी। और ये ऊपर जो है, ये दिखाता हूँ, ये बड़ी फंटेस्टिक चीज़ है। इसको बोलते हैं केबल कार। हाइफा के टूरिज्म का सबसे मेन अट्रैक्शन होता है ये। टेक्नियोन का भी बोल सकते हो, क्योंकि टेक्नियोन से ही मेन, यहाँ से ओरिजिन इसका यही है ना। ये है, नहीं ओरिजिन नहीं है, तो ऐसा ही लगता है। ये स्टेशन है। अच्छा। तो ये एक मेन स्टेशन है, वहाँ से केबल कार पकड़ सकते हो। और आप सोचो इन केबल्स के ऊपर झूल झूल के मस्त बीच तक जा सकते। तो गाइज, आई होप कि आपको टेक्नियोन का जो टूर है वो अच्छा लगा होगा। तो ये हमारी यूनिवर्सिटी है, इसके वैसे नेचर का बहुत बहुत अच्छा व्यू यहाँ से देखने को मिलता है। वेदर, हवाएं बहुत प्यारी है, व्यू भी बहुत अच्छा है, जहाँ पे लोकेशन है वो भी बहुत अच्छी है। तो आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा इस वीडियो को देख के। और अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। और आगे हम ऐसी ही वीडियोस डालते रहेंगे। जब भी कहीं पे हम इसराइल के अंदर टूर करेंगे, चाहे हम मेडिटेरेनियन सी डाल जाएँ, चाहे हम जेरूसलम जाएँ, हम वीडियोस बनाते रहेंगे, ठीक है। प्लीज़ हिट द लाइक बटन। सो बाय बाय।